हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान पुलिस एकेडमी में आज सुबह कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बने पुलिस कर्मियों को पदोन्नति समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं विशिष्ट अतिथि गृह मंत्री कटारिया और डीजीपी ओपी गल्होत्रा रहे। सरकार द्वारा पहली बार 6082 कांस्टेबल को विशेष पदोन्नति देके हेड कांस्टेबल बनाया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस सेवा त्याग और तपस्या से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि हम लोग सोते हैं तब पुलिस जागती है। उन्होंने पुलिस कर्मियों के परिजनों की सराहना करते हुए बधाई दी। आपके बिना पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, उनकी कर्तव्य में पूरा करने में आपका भी पूरा योगदान है। कार्यक्रम में गृह मंत्री कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां 21% तक अपराध घटे हैं। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल कई साल नौकरी के बाद भी कांस्टेबल से रिटायरमेंट हो जाते हैं। कांस्टेबलों की पीड़ा उनके समक्ष आई तो उन्होंने वसुंधरा राजे जी से बात करके पुलिस कर्मियों की समस्या बताई। इस पर पहली बार राजस्थान में 6000 से अधिक कांस्टेबलों को विशेषज्ञ हेड कांस्टेबल बनाया गया। कार्यक्रम में पदोन्नत हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों को बुलाया गया, जिन्होंने पदोन्नति पाने वाले पुलिस कर्मियों के फीते बांध के स्वागत किया। इस कार्यक्रम में करीब 15,000 पुलिस कर्मी और उनके परिजन मौजूद थे। पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा ने कहा कि आगामी समय में पुलिस पदोन्नति को और पेशेवर बनाया जाएगा ताकि कोई भी पुलिस कर्मी पदोन्नति से वंचित नहीं रह सके। आपको बता दें कि पुलिस पदोन्नति के इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पुलिस कर्मियों को लाभार्थी के रूप में बुलाकर सम्मेलन करना ठीक नहीं है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।